राष्ट्रीय मीडिया केंद्र दिल्ली में आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2014 की रिकॉर्डिंग। विषय है विज्ञान एवं संस्कृति। वक्ता हैं माननीय सांसद एवं प्रख्यात विद्वान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। भारत का गौरवशाली अतीत साक्षी है अपनी समृद्ध संस्कृति का। प्रेम और समन्वय के मूल मंत्र के साथ गौरवान्वित मस्तक लिए आज भी विभिन्नता में एकता का उत्तरीय धारण किए जीवंत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है विज्ञान और संस्कृति, और वक्ता हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। और अगर बात करें राजेंद्र बाबू की, तो भारतीय दर्शन की बात हो, संस्कृति की बात हो, हम सब जानते हैं उनकी गहरी समझ थी इन विषयों पर। उनका व्यक्तित्व हमें बताता है कि नैतिक बल और संस्कृति ही एक व्यक्ति की ताकत है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और अब महानिदेशक आकाशवाणी श्री फैयाज शहयार जी से अनुरोध करूंगी, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2014 में आप सबका आकाशवाणी परिवार और प्रसार भारती की ओर से स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आप जानते हैं कि आकाशवाणी प्रतिवर्ष दो महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित करती है। एक व्याख्यान देश के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, और दूसरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आकाशवाणी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में 1969 से निरंतर व्याख्यान का आयोजन करती आ रही है, जिसमें देश के जाने माने साहित्यकार आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात मुनीषी अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करते रहते हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस वर्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने व्याख्यान देना स्वीकार किया है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब न केवल विख्यात शिक्षाविद हैं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर विज्ञान की कसौटी पर खरा स्थापित करने वाले स्वनामधन्य मुनीषी भी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के रूप में आपने जिस तरह शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया, वो अतुलनीय है। आप देश के उन चुनिंदा सांसदों में से हैं जिनकी आवाज़ देश बहुत ध्यान से सुनता है। आपके विचार देश की जनता को नई तरह से सोचने पर विवश करते रहे हैं। आज जबकि जीवन के हर पहलू को विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास किया जा रहा है, संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं को विज्ञान की नज़र से देखना समय की मांग है। डॉक्टर जोशी, आज के व्याख्यान में सांस्कृतिक जीवन के ऐसे तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डालेंगे जिन पर विचार किया जाना आज की ज़रूरत है। इनका विषय है विज्ञान और संस्कृति। इन शब्दों के साथ मैं एक बार अपनी और आकाशवाणी परिवार की ओर से इनका स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी दिल्ली का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे, अपितु वे सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले एकमात्र राजनेता रहे। राजनीति के क्षेत्र में वो जिन जीवन मूल्यों को आजीवन स्थापित करने के लिए न केवल शब्दों से परंतु आचरण से प्रसिद्ध रहे, उसके कारण उन्हें भारतीय राजनीति में संत कहा जाता है। जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा, उनका आचरण में पूरे मनोयोग के साथ पालन करना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अद्भुत विशेषता थी। एक छोटे से गांव में जीरादेई बिहार में उनका जन्म हुआ था, और वहाँ से जब वो पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए बंगाल आए तो उन्होंने उस समय की गतिविधियों को सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। 1908 में उन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा पास की थी, और वो दिन थे जबकि बंग भंग हो चुका था, और उसके लिए सारे बंगाल में नहीं परंतु देश भर में एक आंदोलन था। क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी बंगाल में अपने शीर्ष पर थीं, और महर्षि अरविंद जैसे विचारकों का और क्रांतिकारी दार्शनिकों का एक बहुत बड़ा प्रभाव उस समय बंगाल के नवयुवकों में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस सब का गहन अध्ययन किया, और उन्होंने स्वयं अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगा लिया। परीक्षा पास करने के पश्चात वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, वहाँ वो अध्यापक भी रहे कुछ दिनों, लेकिन बाद में उन्होंने वकालत शुरू की। 1915 में उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में, और तब उसके बाद
वो स्वाधीनता के आंदोलन में पूरे वेग के साथ कूद गए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, बहुत कम आयु में बने, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे और वहाँ उन्होंने बहुत प्रभावोत्पादक कार्यक्रम हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए रखे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी को भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, लेकिन वो हिंदी के स्वरूप के मामले में गांधी जी से अधिक सहमत थे और उनका विचार ये था कि राष्ट्रभाषा बहुत सरल और सुबोध होनी चाहिए। ये बात दूसरी है कि प्रशासनिक राजभाषा वो सरल और सुबोध रहे या वो अपने आप में कुछ विशेष प्रकार के प्रशासनिक अर्थों को गर्भित रखने वाली रहे, ये बहस की बात है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से भाषा और साहित्य और आम बोलचाल की भाषा में एक अंतर दुनिया भर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान निर्मात्री परिषद के अध्यक्ष रहे, उसके पहले वो कृषि मंत्री भी रहे। बिहार के किसानों की दशा से वो अच्छी तरह परिचित थे और इसलिए कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने किसानों के लिए उचित मूल्य दिए जाने का एक सूत्र भी प्रस्तावित किया था। उन्होंने तब ये कहा था कि जो प्रमुख उत्पाद हैं देश के और विशेषकर जिनका उपयोग भारत का किसान अपने उत्पादन के लिए करता है, उनके साथ और किसान को मिलने वाले मूल्य के अंदर एक अनुपात निश्चित होना चाहिए। ऐसा न हो कि किसान के उत्पादन का मूल्य तो बढ़ता जाए और किसान को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि न हो। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद भारत के किसानों के लिए सरकारी स्तर पर ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले उनके कृषि मंत्री के कार्यकाल में ही हुआ था। उसके पश्चात वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मैं समझता हूँ उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार का एक उच्चतम आदर्श प्रस्तावित किया था। वो सादगी से भरे जीवन के प्रतिमूर्ति थे। 10,000 रुपये उस समय राष्ट्रपति का वेतन था, पर उन्होंने केवल 5,000 रुपया ही स्वीकार किया। जो भत्ता मिलता था उनको सत्कार के लिए लोगों के लिए, उसको भी आधा कर दिया। सरल इतने थे कि राष्ट्रपति अपने बग्गी में बैठकर, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आज तो मोटरों का काफिला चलता है, उस समय बग्गी में राष्ट्रपति जाते थे। वो जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने, जो बिहार का था, दूर से कहा, अरे राजेंद्र बाबू जावत है का? राजेंद्र बाबू ने गाड़ी रोकी, उसको बुलाया, उसका हालचाल पूछा और तब आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि लोगों की दृष्टि में उन्होंने शायद शासकीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया होगा, परंतु ये उनकी सहृदयता थी कि एक गांववासी जो उनको इतने प्यार से बुला रहा है, भारत का नागरिक है, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मुझे उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है और ये आज के राजनेताओं के लिए एक दिशा संकेत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के एक मूर्तिमंत प्रतीक भी थे। इसका ये अर्थ नहीं कि वो कोई सांस्कृतिक दर्शन के किसी प्रकार के व्याख्याता थे, वो आचरण से भारत की संस्कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। आज के समय में ये प्रश्न बड़े गहराई के साथ उठाए जा रहे हैं दुनिया में कि संस्कृति और बाकी जीवन के सभी विविध आयामों से क्या संबंध है और संस्कृति का निर्धारण, नियमन ये कैसे होगा, संस्कृति का रूप क्या है, क्या संस्कृति आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों में योगदान करती है या बाधा उत्पन्न करती है या सहायक होती है, क्या संस्कृति उत्प्रेरक है किसी प्रकार की विकास की अवधारणाओं के लिए या संस्कृति किसी प्रकार की विकास की अवधारणाओं के विरोध में जाती है, ये प्रश्न आज दुनिया के पटल पर हैं। पिछले 300 वर्ष से, जब से विज्ञान के अनेक आविष्कार हमारे सामने आए हैं, तब से एक प्रश्न ये भी उठ खड़ा हुआ है कि विज्ञान किस प्रकार मानव व्यवहार को भी या सामाजिक परंपराओं और सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित करता है, और अगर करता है तो विज्ञान क्या संस्कृति को भी प्रभावित करता है, और क्या संस्कृति पलट में कुछ विज्ञान को भी प्रभावित कर सकती है, ये प्रश्न आज अनेक विचारकों के सामने विश्व में प्रस्तुत हुए हैं। इसके लिए पहले मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक होगा कि हम विज्ञान और संस्कृति की धारणाएं और अवधारणाएं क्या हैं, उसको एक बार उस पर दृष्टिपात करें। सामान्य तौर पर विज्ञान कुछ प्रेक्षणों पर, ऑब्जर्वेशंस पर, और फिर उन प्रेक्षणों के आधार पर कुछ प्रयोग करके उन प्रेक्षणों में एक परस्पर संबंध स्थापित करता है और उस संबंध के लिए किसी सिद्धांत का आविष्कार करता है और फिर उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए और प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से तथ्यों का निरीक्षण, प्रेक्षण,
उनके आधार पर उनका संबंध स्थापित करना और उस संबंध के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत करना और फिर उस सिद्धांत की सत्यता के परीक्षण के लिए और प्रयोग करना, और अगर उन प्रयोगों से कुछ और नए तथ्य सामने आए तो उसके आधार पर फिर और नए सिद्धांत सामने रखना। तो इस तरह से विज्ञान की ये यात्रा चलती रहती है, लेकिन उसके पहले भी विज्ञान था। ये केवल पिछले 250-300 साल की ही कहानी नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मनुष्य अपने आप में एक वैज्ञानिक प्राणी है। सामान्य तौर पर उसे होमो सेपियन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मनुष्य होमो टेक्निकस भी है, अर्थात वो तकनीकी का उपयोग भी करता है, और स्वयं में अगर और कोई दूसरा उपकरण सामने न हो तो उसके शरीर में स्वयं तकनीकी का उपयोग करने वाले अंग हैं। उसके हाथ हैं, उसके पांव हैं, उसके नेत्र हैं, उसके हृदय के अंदर निरंतर रक्त संचार करने वाली शक्ति है, उसमें गुर्दा है जो उसका निरंतर शरीर से मल का निष्कासन करने का काम करता रहता है। तो बहुत सारे उपकरण उसके शरीर में भी हैं और वो अपने हाथ पांव से बहुत कुछ तकनीकी काम कर लेता है। पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, हाथ से जो कुछ वो कर सकता है, जितने बारीक काम कर सकता है वो शायद बहुत से रोबो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मनुष्य स्वयं में अपने आप में एक वैज्ञानिक यंत्र के तौर पर प्रकृति ने बनाया है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि मनुष्य विज्ञान के साथ अपने जन्म से सीधा ही जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसके अंदर भी प्रेक्षण करने की, निरीक्षण करने की और उनके द्वारा फिर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति उसके प्रादुर्भाव के समय से ही विद्यमान है। हम देखते हैं इसलिए कि जब सबसे पहले अग्नि से उसका परिचय आया तो उसने उसका उपयोग अपने अनेक कार्यों के संचालन के लिए किया। प्रेक्षण तो उसने सूर्य से आने वाली प्रकाश का किया, उससे ऊष्मा का अध्ययन किया, फिर उसने देखा कि इसी सूर्य से आने वाली ऊर्जा के कारण पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में विकास होता है, अन्न भी पैदा होता है और उसके स्वयं के शरीर को भी उससे ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए उसका परिचय धीरे धीरे अग्नि, ऊर्जा ऐसे तत्वों से जो उसके द्वारा निर्मित नहीं थे परंतु प्रकृति में विद्यमान थे और उसका उपयोग करने के लिए उसने अपना मस्तिष्क लगाया। यहाँ से शुरुआत होती है और ऐसे ही अनेक जो उसने प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण किया कि जिससे वो एक वैज्ञानिक परंपरा की तरफ बढ़ता है। चक्र का आविष्कार हुआ, पहिया एक बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार था, और मैं समझता हूँ कि इस पहिए के आविष्कार ने एक ऐसे मानव समाज की नींव डाली जिसमें परस्पर आदान प्रदान, परस्पर आवागमन और धीरे धीरे विचारों का विनिमय, अगर उस समय वो किसी विचार की ऊंचाई तक जा सकता था तो, पर जहाँ तक जा सकता था तो वहाँ तक तो जा ही सकता था, और धीरे धीरे समाज के अंदर जब हम घुलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उस पहिए ने जो हमको एक आवागमन की सुविधा दी बैलगाड़ी बनाकर या और किसी प्रकार की गाड़ी बनाकर, उससे एक सामाजिकता का निर्माण शुरू हुआ और कुछ दूरियां कम होनी शुरू हुई, एक जगह के लोग दूसरी जगह जाने लगे। अब यहाँ पर जब समाज बनने लगता है तो फिर एक सामाजिक संस्कार भी पैदा होने लगा। तो इसलिए विज्ञान और संस्कृति का बुनियादी संबंध उसी समय से शुरू हो जाता है जब कभी कोई ऐसा संसाधन जिससे मानव समाज की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है वो हमें उपलब्ध होता है। ऐसी ही एक घटना, सभी अच्छी तरह से उससे परिचित हैं, वो हुई जब मानव ने बोलना सीखा। बोलना तो ठीक, लेकिन इस बोलने को रूप देना, आकार देना, ये अपने आप में एक बहुत जटिल बात। आपने प्रीहिस्टोरिक, जिसे प्राग ऐतिहासिक चित्र कहते हैं, वो आपने देखे हैं, वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि लिपियों का विकास हुआ, मानव ने लिखने की कुछ चेष्टा की, कुछ उकेरने की चेष्टा की, लेकिन ये भी तब तक अच्छा रूप नहीं ले सके जब तक कि किसी अक्षर का और वर्णमाला का सीधे सीधे विकास न हो। इसमें मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय लगा होगा, क्योंकि बोलने से उकेरने, प्रकृति को देखकर, पुराने भित्ति चित्रों में सब प्राकृतिक चित्रण है, फिर उनका एक दूसरे के साथ संप्रेषण, और फिर उसके बाद अक्षरों का निर्माण, और अक्षर के बाद फिर वर्णमाला का निर्माण, और उसके बाद उस अक्षर और वर्णमाला को एक व्यवस्थित आकार देना। मैं नहीं जानता इसमें कितना समय लगा, 1000 साल लगे कि 2000 साल लगे कि 10000 साल लगे, लेकिन ये
जब निश्चित रूप से हमने अक्षर की खोज की, उसका आविष्कार किया और जब वर्णमाला का आविष्कार किया तो सवाल उठा कि इसको संप्रेषण का माध्यम कैसे बनाएं, क्योंकि मनुष्य सोचता है, बोलता है और अब बहुत प्रसन्न था कि उसने लिपि को आकार दे दिया है, तो इस आकार को, इस घटना को, अपने इस आविष्कार को कैसे उपयोग में लाए और कैसे इसका प्रचार करें। तो कुछ तो पहले पत्थरों पर टांक के काम शुरू हुआ, बहुत बाद में कागज़ का आविष्कार हुआ। कागज़ का आविष्कार जब हुआ वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब इस कागज़ पर लिखना, इसके लिए भी आप देखें कि जो उकेरने वाला कील थी पहले, जिससे टांका जाता था पत्थर पर, उसको कलम का रूप देना, ये अपने आप में आज तो बहुत छोटी बात लगती है पर उस समय बहुत बड़ा आविष्कार था। कलम का आविष्कार, फिर रंग, उसको रंग देने के लिए स्याही का आविष्कार, ये छोटी छोटी बातें थीं लेकिन इनके पीछे के विज्ञान का आप प्रभाव देखें कि लिखना शुरू हो गया तो पुस्तक बननी शुरू हो गई। मगर ये एक प्रति बनती थी और बड़ी कठिनाई से बनती थी, तो क्या किया जाए। ये तब तक बहुत दिनों तक हस्तलिखित पुस्तकें चलती रहीं। आप अभी जाएं तिब्बत में, जाएं मंगोलिया में, जाएं भारत के बहुत से गांवों में जाएं, तो आपको हस्तलिखित बहुत सुंदर मुद्रित पुस्तकें मिलेंगी। लेकिन इनका सदुपयोग तभी हो सकता था जब इनकी आवृत्तियाँ अधिक हों। ये मैं समझता हूँ जब, जैसे आप छापाखाना कहते हैं, गुटेनबर्ग प्रेस कहते हैं, उसने बड़ी भारी क्रांति कर, पुस्तकें आ गई, छपने लगीं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और इसने समाज के विचारों को बहुत गहराई के साथ प्रभावित किया। जब पुस्तकें ज़्यादा मात्रा में आती हैं, लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो लोग ज़्यादा विचार करते हैं, विमर्श होते हैं, विवाद भी होते हैं और सिद्धांतों का प्रतिपादन और उन सिद्धांतों का एक प्रकार से विरोध भी होता है। तो इस परस्पर वाद विवाद, संवाद विमर्श में से विचार निकलते हैं, विचारों से संस्कार निकलते हैं और जो सांस्कृतिक अवधारणाएं होती हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह आते हैं कि जो हम अभी तक ये कर रहे हैं, जो हमारे व्यवहार की आज तक की, अभी तक की जो स्थिति है, क्या वो ठीक है, क्या उसका यही सही पहलू है या उसके लिए कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है। और इसमें से हमेशा कुछ न कुछ घात प्रतिघात बहस होती चलती है और आप देखते हैं कि समाज के गतिविधियों पर इन छोटे छोटे आविष्कारों का बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपके सामने परिदृश्य इसलिए रखा कि ताकि हम ये न समझें कि संस्कृति कोई जंगल में बैठकर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के दिमाग की खोज है और विज्ञान किसी प्रयोगशाला में बैठकर अकेले किसी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक समूहों का क्रियाकलाप है। सच तो यह है कि ये दोनों ही मानव जीवन के साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों का विकास और इन दोनों का प्रचार और प्रसार और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों के आचरण का हर युग के पश्चात, युग का अर्थ यहाँ मेरा समय से है, एक निश्चित काल के पश्चात असर पड़ता रहता है। विज्ञान भी बदलता है और संस्कृति भी बदलती है, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। संस्कृति के बारे में एक सामान्य बात यह है कि आखिर संस्कृति की परिभाषा क्या दी जाए। मैं समझता हूँ कि विज्ञान को परिभाषित करना आज जितना जटिल हो रहा है, पहले तो बड़ा सरल था, आज कठिन हो गया है, वैसा ही संस्कृति को बिल्कुल शुद्ध परिभाषित देना कि बिल्कुल ये एक एक अक्षर संस्कृति को परिभाषित कर रहा है, इस वाक्य का, मेरी दृष्टि से ये संभव नहीं है। संस्कृति भी एक सतत गतिमान प्रक्रिया है, ये जड़ नहीं हो सकती, ये कृति है, तो कृति का अर्थ तो उसमें करना क्रियापद है ही, तो ये दूसरी बात है कि कौन सी कृति, लेकिन कृति होने के कारण वो जड़ नहीं हो सकती, वो गतिशील होगी। तो संस्कृति एक गतिशील विधा है, वो जड़ नहीं है, वो आज जो है वो कल उसमें परिवर्तन आता है। परंतु कुछ ऐसा लोगों का विचार हो गया है कि मानो संस्कृति कुछ खास परंपराओं का, कुछ रूढ़ियों का एकत्रीकरण ही संस्कृति है, या कुछ जिनको आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, कुछ कलाएं कहते हैं, कुछ नृत्य संगीत कहते हैं, वही संस्कृति है, वो एक एक पहलू है। लेकिन संस्कृति मूल में किसी भी समाज का, और अगर मानव समाज की बात करें तो पूरे मानव समाज के संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। उसके जो भौगोलिक भेद हो सकते हैं वो अपनी जगह पर होंगे, जो उसके ऐतिहासिक भेद हो सकते हैं वो भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर उस भेद के अंदर से भी
एक मौलिक मूलभूत समुच्चय है व्यवहारों का, जिसे हम मानव संस्कृति कह सकते हैं, वैश्विक संस्कृति कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्योंकि विश्व अनेक भौगोलिक सीमाओं से और राजनीतिक सीमाओं से बटा हुआ है, तो इसलिए उन संस्कृतियों के विशेष विशेष रूप, विशेष विशेष उनकी अवस्थाएं उस भौगोलिक और राजनीतिक और दार्शनिक जो उस मानव समाज की कल्पनाएं रही हैं उनसे प्रभावित होती हैं। लेकिन मूलतः एक बात तो ये स्पष्ट है कि संस्कृति का उद्गम वो भी मनुष्य के जीवन के साथ, विकास के साथ साथ उसी तरह से आगे बढ़ा है जिस तरह से विज्ञान बढ़ा है। पर एक मूलभूत अंतर है, वो अंतर यह है खासतौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में कि मानव के बारे में विचार करते हुए भारत ने मानव को केवल एक शरीर मात्र नहीं माना। भारतीय विचारकों ने मनुष्य की एक परिभाषा दी है, मेरी दृष्टि में अभी तक उससे उत्तम परिभाषा नहीं मिली है। चार तत्वों से उन्होंने मनुष्य को परिभाषित किया है, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। अभी इसके अतिरिक्त कोई पांचवा तत्व जो मनुष्य को और अधिक सूक्ष्मता से परिभाषित कर सके अभी मेरी जानकारी में नहीं आया, लेकिन अगर आएगा तो वो और अधिक श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए उपयोगी होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ इस सांस्कृतिक विकास में केवल शारीरिक या भौतिक प्रकृति से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वहीं तक सीमित हम नहीं रहे हैं। हमने इसमें कहा कि अगर संस्कृति कृति है तो कृति किस बात के लिए है, उस कृति का मूल आधार क्या है, क्या वो शरीर के और बुद्धि के हिसाब से ही है, उन्हीं के बीच में उसका परिवेश रहता है या उससे ऊपर भी चलती है, क्या मन और बुद्धि और शरीर ये तीनों अपने आप में पर्याप्त हैं या एक चेतना की भी आवश्यकता है, ये कौन तत्व है जो उस मन को विचारशील बनाता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मेरा ध्यान एकदम सूर्य पर जा सकता है, मंगलयान पर जा सकता है, शारीरिक क्रिया हो रही है लेकिन मन से मैं कहीं और पहुंच गया हूँ। बहुत से मित्र जो यहाँ बैठे सुन रहे होंगे उन्हें लगता होगा ये क्या सुने, ज़रा वो देख लें कि उस संगीत में क्या हुआ था या उस दिन क्या हुआ था, वो पहुंच गए मन से वहाँ, शरीर से यहाँ है, मन से वहाँ है। तो ये कौन सा तत्व है जो हमारे हमारी इंद्रियों में प्रस्फुटन करता है, उनको चेतन बनाता है, तो उसके लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था आत्मा। तो इस आत्मा का यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो भी संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। पश्चिम में इस तत्व का साक्षात्कार अभी तक नहीं किया गया है, कोशिश हो रही है कि अब इस तरफ भी लोगों को विज्ञान ले जाए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे विज्ञान इस तत्व को समझ रहा है कि मनुष्य में केवल शारीरिक ऐषणाएँ ही नहीं हैं, उसके अलावा एक मानस भी है और उस मानस के ऊपर एक और भी तत्व है, उसे अभी वो आत्मा तो नहीं कह रहे हैं लेकिन एक चेतना का पुंज, एक एनर्जी फ्लो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अवश्य करने लगे हैं। संस्कृति ये एक तरह से, चूँकि इसमें दो शब्द हैं ना, संस और कृति, तो कुछ समन्वयात्मक है, ये विध्वंसात्मक नहीं हो सकती, ये हार्मोनाइजिंग है, ये चीज़ों को समायोजन करने के लिए है, वियोजन करने के लिए नहीं है। इसलिए वो कृतियाँ जो सामाजिक तौर पर समायोजन करती हैं वो संस्कृति मानी जाएंगी, जो वियोजन करती हैं, जो लोगों को दूर ले जाती हैं, उसको हम संस्कृति नहीं कहेंगे। हमें भूख लगती है, ये हमारी प्रकृति है, शरीर का धर्म है, भूख लगती है। हम किसी का छीन के खा जाएं, ये विकृति है, मगर हम बांट के खाएं, ये संस्कृति है, क्योंकि ये समायोजन करने वाली बात है, ये संवेदना वाली है। तो इसलिए ये जो संस्कृति है ये सम्यक रूप से समाज को, लोगों को बांटने के बजाय जोड़ने वाली हो। मुझे कभी कभी बड़ी चिंता होती है जब हम कहते हैं कि कल्चरल डिवाइड्स हो रहे हैं,
बड़े सिद्धांत आजकल आ रहे हैं, फॉल्ट लाइन्स बिकॉज ऑफ कल्चर्स। अब वो शायद संस्कृति के सच्चे स्वरूप को नहीं समझते हैं, इसलिए ये संस्कार, वो कृतियाँ, और स्वाभाविक है क्योंकि ये संस्कार बदलते जाएंगे घटनाओं से, इतिहास की शिक्षा से, विज्ञान के विकास से, ये सब चीज़ें मिलकर संस्कृति को प्रभावित अवश्य करती हैं। ठीक इसी तरह से संस्कृति भी विज्ञान को प्रभावित करती है। उस पर मैं अब आपके सामने कुछ थोड़ा सा विज्ञान का इतिहास रखना चाहूँगा। पुराना, जो जिसको हम आजकल पुराना विज्ञान कहते हैं, वो एक तरह से समग्र सृष्टि को एक रूप में देखता था। वो चाहे अरस्तु का विज्ञान रहा हो, चाहे वो प्लेटो का डायलॉग रहा हो, या वो पाइथागोरस के सिद्धांत रहे हो, या यूनानियों का परमाणुवाद रहा हो, लेकिन तब तक सृष्टि को एक इकाई के रूप में माना जाता था। लेकिन 300-350 वर्ष पूर्व कुछ विचारकों ने और गहरा विचार करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि भाई हम कौन हैं। तो एक फ्रेंच दार्शनिक थे, रेने दकार्त, वो बड़े शंकालु थे, हर चीज़ पर शंका करते थे, डाउटिंग थे, डाउटिंग थॉमस जिसे कहते हैं, ये कैसे है, ये क्यों है, ये करते करते वो अपने ऊपर आए कि मैं क्यों हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक विचारवान प्राणी हूँ, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक, कोजितो एर्गो सम। ये उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि मैं इसलिए हूँ कि मैं सोचता हूँ, चूँकि मैं शंका कर सकता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं समाधान कर सकता हूँ इसलिए मैं नहीं हूँ, मैं शंका कर सकता हूँ, आई कैन रेज क्वेश्चंस। तो उसने कहा ठीक है, फिर तो मेरी जो मानसिक शक्ति है, मेरी जो विचार करने की शक्ति है, वो मेरे व्यक्तित्व की असली पहचान है, शरीर उसके अंतर्गत है, मेरी विचार की शक्ति ये उसके ऊपर है। एक सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी, एक बड़प्पन और एक हीन भाव अपना पैदा कि शरीर ये हीन है और मेरी विचार शक्ति ये प्रमुख है। तो ये जब विचार आया तो ये हुआ कि भाई मैं विचार कर सकता हूँ और मेरा ये शरीर ये तो केवल जिधर मैं ले जाऊँगा उधर जाएगा। तो इसका विस्तार ये हुआ कि मेरा शरीर तो ये प्राकृतिक चीज़ों से बना है, यानि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, बाकायदा ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसी से तो मेरा ये शरीर बना है, तो इन सब का संचालन मैं कर सकता हूँ। ये एक विचार दकार्त का हुआ, लेकिन इसने एक बड़ी विचित्र बात कर दी, इसने माइंड मैटर डाइकोटोमी पैदा कर दी, द्वैत पैदा कर दिया विचार शक्ति में और शरीर में, मानसिक शक्ति में और शारीरिक क्रियाकलापों में, माइंड मैटर डाइकोटोमी। अर्थात ये इनमें द्वैत है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और माइंड इज सुपीरियर, वो वरिष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, अधिक शक्तिशाली है। दूसरे एक और विचारक थे जिनका नाम था लाप्लास, उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये तो देखो सृष्टि के कुछ नियम हैं, वो उन नियमों को जानना चाहिए, और जानने का तरीका क्या होगा। तो उन्होंने दो बातें कही, एक तो ये कि हमें इस सृष्टि रूपी यंत्र को समझने की ज़रूरत है, और फिर जो कुछ समझें उसको एक गणितीय सूत्र में लिखने की आवश्यकता है। वो अगर हमने लिख दिया और एक नियम बना दिया और गणितीय सूत्र में इधर और उधर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, वो बराबर कर दिया तो समझ लो कि बात ठीक हो गई, ये हमने समझ लिया, हमने जान लिया, वो हमारे ज्ञान का एक सोपान बन गया। तीसरे आए बेकन, अरे उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ये प्रकृति, ये सारे नियम इसमें चल रहे हैं जिनके आधार पर ये चल रही है, हम तो इसके सारे नियम जानेंगे, और अगर ऐसे सीधे सीधे नहीं बताएगी तो हम इसको टॉर्चर करेंगे, हम इसके हाथ ऐंठेंगे, थर्ड डिग्री मेथड्स यूज़ करेंगे, लेकिन इस प्रकृति को हम मजबूर कर देंगे, नेचर को, कि अपने सारे जितने भी रहस्य हैं उनका ये उद्घाटन करें। ये रहस्य हमें जब तक ये नहीं बताएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और इसलिए प्रकृति के साथ खेलने का, उसको तोड़ने मरोड़ने का, उसको ऐंठने का ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर आए न्यूटन, वो तो सर्व प्रचलित नाम है, न्यूटन के सिद्धांत आज तो हर एक बच्चा जानता है। न्यूटन ने कहा कि भाई कुछ प्रयोग भी होने चाहिए, और ये हमारा सिद्धांत है और ये प्रयोग है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात उनको ये लगी कि जो न्यूटन के सिद्धांत पृथ्वी पर सत्य थे वो आकाश में भी सत्य थे, वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहाँ भी लगते हैं।
पिंडों की गतिविधि उसी के आधार पर संचालित होती है। केपलर ने उसमें कुछ सुधार किया, लेकिन उनको ये आश्चर्य हुआ कि भाई ये कुछ न कुछ नियम ऐसे हैं जो पृथ्वी पर भी सत्य हैं और ब्रह्मांड में भी सत्य हैं, उनको जानना चाहिए, उनके आधार पर प्रयोग करने चाहिए। तो सवाल उठा कि अगर ये है तो सारे ब्रह्मांड को कैसे जाने। उन्होंने कहा ब्रह्मांड एक यंत्र है, जैसे एक यंत्र को आप समझते हैं वैसे ही ब्रह्मांड को समझ लीजिए। और उस समय यंत्रों में सबसे जटिल यंत्र घड़ी माना जाता था, तो उन्होंने घड़ी को कहा देखो इसको तोड़ लीजिए फिर जोड़ लीजिए तो घड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही समूचे ब्रह्मांड को आप विखंडित करिए और फिर उसको जोड़ लीजिए तो ब्रह्मांड का पता लग जाएगा। तो पता लगा भाई ये ब्रह्मांड तो कोई अकेला ऐसा मिलना मुश्किल है, तो कैसे तोड़े। तो उन्होंने कहा ब्रह्मांड ये तो अनेक मंदाकिनियाँ हैं, इसमें गैलेक्सीज हैं, एक एक गैलेक्सी ले लो। अच्छा फिर ये गैलेक्सी भी बहुत विशाल है, इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, तो इस गैलेक्सी को देखो है क्या। तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत सारे आपको ये मिलेंगे समूह मिलेंगे, तारों मंडलों के समूह मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई नियम हो, उस नियम के आधार पर कुछ संचालन हो रहा हो, कोई ऐसा समूह मिले। तो उन्हें सौरमंडल मिल गया। उन्होंने कहा देखिए सौरमंडल है, ये बड़े नियमों से चल रहा है, आप ही के नियमों से चल रहा है बराबर, इसको देखो। अब सूर्य को तोड़ें कि शनिश्चर को तोड़ें कि बृहस्पति को तोड़ें, ये भी एक समस्या थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आते आते पृथ्वी पर तो आ जाओ पहले, तो अब पृथ्वी ये हमारे कब्जे में है, इसको तोड़ो। तो तोड़ते तोड़ते उन्हें लगा कि ये परमाणुओं से बनी है। और जब उन्होंने कहा कि देखिए ये सारे जितने भी तत्व हैं वो सब परमाणुओं से बने हैं, तो उस समय भौतिक शास्त्रियों ने कहा कि अब हमें सब पता लग गया, हमको ये परमाणु पता लग गया, तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, हम 6-8 महीने में सृष्टि के रहस्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की जो सबसे सरल परमाणु था हाइड्रोजन उसको समझने की, तो उसको देखा, उन्होंने कहा ये तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये परमाणु क्या है, ये तो इसका ज़रा देखें तो सही, ये इसके अंदर क्या है, क्योंकि पुरानी परमाणु की भाषा तो ये थी कि जो टूटता नहीं है, एटम इज इंडिविजिबल। अब एटम का अध्ययन करते करते परमाणु का अध्ययन किया उन्होंने, तो वो वर्णक्रम विज्ञान से अध्ययन किया, और उसमें उनको लगा कि ये खाली अकेला ही नहीं है, इसमें तो कुछ इसके भी हिस्से हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो अब परमाणु हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दो कणों से मिलकर के इसके नियम आ गए। वो उसमें कठिनाई ये थी कि वो न्यूटन के नियम से भिन्न थे, क्योंकि जब उसका वर्णक्रम बनता था एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उठ के कहीं जाता था, मगर किस नियम से जाता था इसका पता नहीं था। तो समझ में आया कि अभी कुछ और जानना, भी ये गड़बड़ हो गई, हम तो समझते थे 6-8 महीने में सब पता लग जाएगा और आगे चलो। तो उन्होंने परमाणु के नाभिक को भी तोड़ दिया, एटॉमिक एनर्जी मिल गई आपको, बहुत कुछ मिल गया। फिर सोचा आप क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन इधर है और ये नाभिक इधर है, इसको भी तोड़ दिया। मगर सवाल ये था कि विज्ञान ये कहता है कि हम तो उसे ही विज्ञान मानेंगे जो नापा जा सके, जिसको पकड़ा जा सके, और जिसको एक सूत्र में जिसके नतीजे को लिखा जा सके। तो अब इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ें, बहुत कोशिशें हुई कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, नहीं पकड़ में आया। क्या हुआ, कहते हैं कि भाई ये जब इस ऑसिलोग्राफ में एक हरी बिंदु आ जाती है तो हम समझते हैं कि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन है। तो इट इज़ इन्फर्ड, ये इसका अस्तित्व तो नहीं है पर अस्तित्व का अनुमान है कि वास्तव में कोई इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ है। एक बड़े वैज्ञानिक से पूछा गया कि क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बोले नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन वहाँ है, बोले नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन कण है, बोले नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन तरंग है, बोले नहीं। बोले फिर वो क्या है, बोले जो है सो है। क्या ब्रह्म यहाँ है, नहीं। क्या ब्रह्म वहाँ है, नहीं। क्या ब्रह्म ऊपर है, नहीं। क्या ब्रह्म नीचे है, नहीं। फिर ब्रह्म क्या है, वो सब कहीं। अब आप देख रहे हैं ना, जो विज्ञान की डिस्क्रिप्शन है, जो उसका विवरण आ रहा है पदार्थ के मौलिक रूप का, वो किधर जा रहा है, उसकी दिशा क्या हो रही है। जो हमारे यहाँ है अनडिस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय, आप ब्रह्म की परिभाषा नहीं कर सकते, उसको का विवरण नहीं दे सकते, उसकी आकृति नहीं बता सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, मगर वो सब जगह है, नेति नेति पर है।
इलेक्ट्रॉन नेति नेति पर है, कोई भी सूक्ष्म कण उनसे पूछ लें। फिर सवाल उठा कि अच्छा कोशिश तो करके देखी जाए कि इलेक्ट्रॉन शायद मिल जाए। उसमें एक और रहस्य सामने आया कि ये संभव नहीं है। हेजनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि भाई ये जो कुछ आप करना चाहते हैं ये साध्य नहीं है। इन सूक्ष्म कणों को उस तरह से जानना, उनका वजन, उनकी मात्रा, परिमाण ज्ञान करना, जैसे कि हम किसी आम के वृक्ष के फल को तोल सकते हैं या किसी और पार्थिव पिंड को तोल सकते हैं, संभव नहीं है। और इसको देखना भी संभव नहीं, क्योंकि देखते हैं आप प्रकाश की किरण से, और प्रकाश की किरण की ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाती है तो वो इलेक्ट्रॉन का रूप बदल देती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बदल देती है, इलेक्ट्रॉन की गति बदल देती है। तो जो पहले था वो नहीं रहा। जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप जो दृष्टा हैं वो उस दृश्य के रूप को बदल देते हैं, दृश्य रहता ही नहीं वो जो कुछ देखना चाहते हैं आप, वो अलग हो गया कुछ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो दृष्टा दृश्य विवेक ध्यान में रखिए, और दृष्टा और दृश्य जब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकेंगे, सूक्ष्म कण को नहीं देख सकेंगे। ये बड़ी भारी बात है। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको किसी सिस्टम के बारे में जानना है तो बाहर से नहीं जान सकते, उस सिस्टम के अंग होकर के जान सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म बनकर ही जान सकते हैं, बिना बने हुए नहीं जान सकते। आकाशवाणी संग्रहालय रिकॉर्डिंग है। शिवो भूत्वा, कब? जब शिव आप हो जाएंगे तभी आप शिव को जान सकेंगे। शिवो भूत्वा शिवम ज्ञात्वा, शिवो के बिना, शिव के साथ लीन हुए आप शिव को नहीं जान सकते। तो इसी तरह से अब आप वहीं आ गए जहाँ से चले थे। शुरू में आप सृष्टि रचना का, यानी जो आपने बहुत डंका बजाया था कि हम इसको ऐठेंगे, मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सके, नहीं जान सके। आज भी कोशिश हो रही है गॉड पार्टिकल ढूंढें, पहले कहा गया मिल गया है, अब कहा जा रहा नहीं, अभी ज़रा संदेह है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं जानता, पर गॉड को उसमें ना ढूंढें ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उसको पार्टिकल के साथ ना जोड़ें। पर कहने का अर्थ ये है कि आज विज्ञान उसी तरफ जा रहा है जिधर, लेकिन इस सब का एक दूसरा परिणाम हुआ, बड़ा भारी परिवर्तन आ गया सारे सामाजिक और आर्थिक तंत्र में। विज्ञान की इस खंडित दृष्टि ने, तोड़ने की दृष्टि ने, जैसे आपको परमाणु ऊर्जा दी, उसी तरह से इसने ब्रह्मांड के पास जाने की, पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण करने की शक्ति दे दी, और शरीर को तोड़ने की, शरीर के अंग प्रत्यंग को एक यांत्रिक अवधारणा के रूप में देखने से चिकित्सा शास्त्र में बहुत उन्नति के आयाम खोल दिए, इसमें कोई शक नहीं। आप इधर से जाइए और आँख का लेंस बदलवा के दूसरे दरवाजे से निकल आइए, ये तो रोज़ होता है, मोतियाबिंद 20 मिनट में ठीक हो जाता है। आप आज जाइए और एक हफ्ते बाद अपना घुटना बदलवा के चले आइए, अपना दिल बदलवा के चले आइए, अपना गुर्दा बदलवा के चले आइए। हो सकता है कुछ दिनों में जैसे मोटर गैराज रहती है ऐसे ह्यूमन गैराज हो जाए, और उस पर लिखा हो कि यहाँ अच्छे गुर्दे की सफाई होती है, यहाँ बढ़िया दिल मिलते हैं, अगर आपको परेशानी है अपने दिल से तो बदलवा लीजिए, वगैरह वगैरह। ये संभव है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। रोज़ ही लोग अपना स्वरूप बदलवा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदलवा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये मनुष्य को एक यंत्र के रूप में मानने से बहुत लाभ हुआ। यानी मेरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन 20-25 मिनट में हो गया था, बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, देखो ये कहाँ ले गया, हमें कितना जल्दी काम करा दिया। मगर इसने मेरे व्यक्तित्व को भी तोड़ दिया। अब मैं क्या हूँ? अब मैं एक हाथ हूँ, मैं एक आँख हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब इससे जो साहित्यिक प्रतिमान है वो भी तो बदल रहे हैं ना। आखिर जो उपमाएँ होती हैं वो जो कुछ आप देखते सुनते करते हैं उसी में से पैदा होती हैं। पहले आप कहते थे कि ये कमल नयन है, अब आप ये कहेंगे ये कैनन नयन है। आखिर आँखें कैमरा है ना, तो आप कैमरे की आप मृगलोचनी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कैनन नयन है, हो गई। पहले आप कहते थे कि मेरे हृदय में स्पंदन हो गए, आप कहेंगे मेरी धोंकनी धड़क रही है, पंप है ना वो, क्या कहेंगे आप। ये प्रतिमान बदल रहे हैं।
जब ये बदलते हैं तो इसमें से फिर मानव के जो संस्कार हैं उन पर भी प्रभाव आता है। वो कैसे आता है, वो उसका एक और चरण आप देखेंगे कैसे आता है। जब ये वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे और इसमें से लोगों को लाभ मिलने लगा तो ये बहुत तेज़ी से आए, और उसमें सबसे नया जो है वो सूचना तंत्र है, सूचना और संचार का तंत्र, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने सब कुछ बदल दिया, और ये और अन्य वैज्ञानिक आविष्कार मिलके नए मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं। और जब मानव समाज नया बनेगा तो संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, और जब समाज में सांस्कृतिक तनाव पैदा होंगे तो फिर उसकी प्रतिक्रिया विज्ञान पर होना आवश्यक है, इससे बच नहीं सकता विज्ञान। अब देखिए, जब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा, पहले तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, फिर उसके बाद सुपर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, और अब टेक्नोट्रॉनिक सोसाइटी है, ऑटोमेशन का युग है, तो उत्पादन बहुत तेज बढ़ा। उत्पादन तेज बढ़ेगा तो वो तब तक ही कारगर होगा जब तक उसका उपभोग भी होगा। अगर उपभोग नहीं होगा तो वो उत्पादन बेकार हो जाए, कोई मूर्ख ही फिर उत्पादन प्रणाली में अपना पैसा लगाएगा। इसलिए अगर उत्पादन तेज होना है तो उसका उपभोग की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए, और इसलिए जल्दी जल्दी मॉडल्स बदलने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही मॉडल रहा तो दूसरा मॉडल अगर आ गया तो मैं तो पिछड़ जाऊंगा। इसलिए मैं भी खटाखट अपना मॉडल बदलूं, तू भी खटाखट अपना मॉडल बदले, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब टूथपेस्ट तो ज़्यादातर एक हफ्ते में बदल जाते हैं, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम भी बदल जाती है, शैम्पू के तो रोज़ नए नए विज्ञापन में देखता हूँ टीवी में, साबुन रोज़ बदल रहे हैं, सुबह से शाम तक 3-4 बदल जाते हैं, साइकिलें बदल रही हैं, मोटरसाइकिलें बदल रही हैं, कारों के मॉडल बदल रहे हैं, और इस उत्पादन की तीव्रता की होड़ में लोगों के काम करने के स्थान बदल रहे हैं। भाई आप आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, पता लगा कि आपकी कंपनी ने आपको वहाँ भेज दिया, तब आप वहाँ जाइए। अब आप अकेले ही नहीं जाते, आपको पूरा परिवार लेके जाना पड़ता है, क्योंकि संभव नहीं है कि आप वहाँ रहें और बाकी लोग यहाँ रहें, तो ये परिवार जाता है। तो शहर बदलते हैं, छोटे बच्चे यहाँ थे, दूसरे शहर में पहुंच गए तो उनको लगता है अच्छा ये कुछ दूसरी जगह आ गई, फिर कुछ दिन बाद 2-4 महीने बाद या कई बार साल भर बाद तीसरे शहर में पहुंच गए तो शहर बदल रहे, मॉडल्स बदल रहे, वाहन बदल रहे हैं यात्रा के, तो वो ये सोचता है कि यार सब चीज़ बदल रही है, और हमारे देश में तो नहीं पर बाकी दूसरे देशों में माता पिता भी बदल रहे, रोज़ बदल रहे। तो वो कहता है कि भाई अब जब सारी चीज़ दुनिया में बदल ही रही है तो ये आप क्या बात कर रहे हैं कि सच बोल, ऐसा कर वैसा कर, ये नैतिक सिद्धांत इसका पालन कर। बोले मैं बेवकूफ़ हूँ जो इनका पालन करूँगा, मैं तो नहीं करता। ये परिस्थिति आ रही है, जिन मूल्यों को, जीवन मूल्यों को हम ये समझते थे कि ये स्थायी है, शाश्वत है, ये अपरिवर्तनीय है, उनके बारे में अब ये शंका होने लगी कि भाई ये क्यों हमसे कहा जा रहा है सच बोलो, सच बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्यों कहा जा रहा है कि तुम बड़ों का आदर करो। बोले होते क्या हैं बड़े, क्योंकि आप एक समाज में निरंतर परिवर्तनशील स्थिति आज आ गई है, और वो जो समाज की सामान्य अपने अंदर अवशोषण करने की गति है उससे कहीं तेज़ है। कोई चीज़ जो मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, अगर अगली चीज़ उससे पहले आ जाए तो तनाव आ जाता है, ये तनाव मानव जीवन में पैदा हो गया है। ये जब तनाव पैदा हुआ तो फिर संस्कृति पर आघात हुआ, लेकिन संस्कृति तो केवल भौतिक है नहीं ना, वो तो आध्यात्मिक है, इसलिए वो उसका समाधान खोजती है, वो उसके बारे में चिंता करेगी। तो इसलिए सांस्कृतिक विमर्श और भौतिक उत्पादन और वैज्ञानिक आविष्कार, ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव का, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बदल रहा है, इसलिए मानव समाज एक किसी स्थायी मूल्यों की दुनिया की तरफ अब नहीं पहुंच रहा है। ये एक चिंतनीय बात है। बहुत अधिक उत्पादन और बहुत अधिक उपभोग के कारण से हिंसा बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और उसका नतीजा क्या है कि अधिक से अधिक पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। अगर मुझे तीव्र उत्पादन करना है और वो सस्ता भी करना है
तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल सस्ते दाम पर मिलना चाहिए और मेरा सामान जल्दी से जल्दी बिकना चाहिए ताकि मैं अपने आर्थिक चक्र को तेज़ी से चला सकूं। इसमें से एक तो उपभोक्ता समाज पैदा हो गया। बहुत साल पहले एक अमेरिकन विद्वान मेरे पास आए, कहने आप एक सिद्धांत बोलते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शुद्ध बात नहीं है, शुद्ध बात है सस्टेनेबल कंजम्पशन। समाज के हर एक व्यक्ति को न्यूनतम उपभोग गारंटी होना चाहिए और उस उपभोग को हमारे संविधान में दिया गया है आयाम के रीजनेबल डिसेंट लाइफ डिग्निफाइड लाइफ, आपको का हेल्थ, आपका भोजन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब आपको सबको सुलभ हो। ये नहीं कि मुझे तो बहुत सुलभ है और दूसरे को नहीं है, ये नहीं, ये एक निश्चित रूप से होना चाहिए। ये सस्टेनेबल कंजम्पशन है। मेरे कंजम्पशन पर अगर पाबंदी लगानी है तो लगे, क्योंकि सबको एक न्यूनतम कंजम्पशन का रेट मिलना ही चाहिए। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक डेवलपमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो होना ही चाहिए, मैं सस्टेन करूँ उस डेवलपमेंट पे, और वो मैं दूसरे को से ज़्यादा कर रहा हूँ कंज्यूम आज, तो मेरा डेवलपमेंट उस स्तर पर बनाए रखा जाए, ये सबको तो सुलभ नहीं है। अगर 27 मंजिल मकान बनाने वाला कोई आदमी कहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो और मुझे 27 के बजाय 28 बनाने का डेवलपमेंट करना मौका मिले, और दूसरी तरफ एक कमरे में 27 आदमी रहें, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे आप? वैज्ञानिक विकास की जो स्वस्थ परिणति होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो इसलिए ये सवाल उठा। फिर इसमें बहुत होड़ आई, वो आई ICT से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इसमें क्या है, जिसके पास इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकार होगा या इसमें जो आगे बढ़ेगा वो समूचे समाज के विचार तंत्र को प्रभावित कर। आखिर ये कहा जाता रहा है कि देखिए कितनी अधिक चॉइस की गुंजाइश है, आपको विकल्प कितने मिल रहे हैं। एक टेलीविज़न है उसमें 50 बातों का विज्ञापन हो रहा है, बहुत अच्छी बात हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाला मालिक है ना, वो किसी भी विज्ञापन को दाब सकता है और किसी भी विज्ञापन को उठा सकता है। अभी आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है, घर बैठे सामान मिल जाता है, मगर ये जो ऑनलाइन वाला मालिक है जिसके पास शक्ति है, उसको मान लीजिए आपकी पुस्तक पसंद है और इनकी पुस्तक ना पसंद है, किसी एक की पसंद है और किसी एक की ना पसंद है, और जिसकी पसंद है उसकी डिमांड आई और उस पसंद वाले लेखक से है ये मालिक नाराज़ है, तो उसको दबा देगा, कहेगा अभी नहीं मिलेगी, हफ्ते भर बाद मिलेगी, अगले हफ्ते आप पूछेंगे कहेंगे भाई 2 हफ्ते बाद मिलेगी, वो तो मर गया ना। और जिसकी पसंद है उसको कहेगा अभी मिलेगी और 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़। ये ख़तरा इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में कोई भी ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा है कि भाई आपको घर बैठे सामान मिल गया। बहुत से लोग कहते हैं अरे गांव में सामान मिल गया, मैंने कहा वो तो ठीक है पर कौन सा मिल गया इसका निर्णय कौन करेगा, वेयर इज़ द चॉइस। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी परस देगी वही आपको लेना पड़े, तो उसमें आपके सारे सांस्कृतिक मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वही सर्व, तो वो जो अमेरिकन विद्वान आए थे उन्होंने मुझसे जब ये कहा सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में, तो कहने लगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने कहा मैं ठीक क्यों कह रहा हूँ, कह लगे साहब मेरी पुत्री एक दिन घर से निकली तो मैंने पूछ लिया अचानक कि बेटी कहाँ जा रही हो, उसने कहा बाज़ार, क्या खरीदने जा रही हो, कहने लगे तो मैं बाज़ार जाके सोचूंगी, उसने कहा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बोले वो तो वहाँ पता लगेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपकी ज़रूरत का नियंत्रण किसने किया, बाज़ार ने किया। बाज़ार का नियंत्रण किसने किया, ICT ने किया। ICT का नियंत्रण किसने किया, वो जो वैज्ञानिक आज इस ICT की कंपनी में काम कर रहा है इसमें बराबर सुधार करने के लिए, सारा परिवर्तन आराम से हो गया। अब ये सवाल उठता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या इसको यथावत रहने दिया जाए, इसकी अच्छाइयों को सामने रखते हुए और इसमें से उत्पन्न जो सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक प्रदूषण पैदा हो रहा है, पर्यावरण को भी प्रदूषित किया है इसने,
बहुत बड़ा गुनाह विज्ञान ने पर्यावरण को प्रदूषित करने की ताकत दे के किया है, उसके लिए कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन किया है तो उसको कैसे बचे। यहाँ संस्कृति आती, जब कभी कोई ऐसी विध्वंसकारी प्रवृत्ति आती है तो संस्कृति अपने मूल रूप के कारण से, क्योंकि वो समन्वयवादी है, क्योंकि वो समायोजन करना चाहती है, विकृतियों से दूर उठाना चाहती है, तो संस्कृति को काम करना पड़ेगा, संस्कृति को एक्टिव होना पड़ेगा, संस्कारों को आना ही पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो फिर मानव के अस्तित्व पर संकट पड़ जाएगा। कैसे आएगा? अभी मैंने बताया कि हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो बाज़ार के प्रभाव में कर रहे हैं। बाज़ार बुरी चीज़ नहीं है, बाज़ार के बिना जीवन बहुत मुश्किल है, बाज़ार तो हो गई, व्यापार भी हो गई, लेकिन उसमें से कौन सी प्रवृत्ति हमें उचित लगती है उसे रखना, जो अनुचित लगती है, दूषित लगती है, उसको वर्जित करना, ये तो होना ही पड़ेगा। आप बाज़ार जाते हैं तो वहाँ आपका रिश्ता क्या है? मनुष्य का मनुष्य से नहीं है, वहाँ रिश्ता दुकानदार और ख़रीदार का है। अगर सारी बातें, सारे क्रियाकलाप बाज़ार की शक्ति पर निर्भर करेंगे तो रिश्ता केवल आर्थिक होगा, फंक्शनल होगा। पैसा है तो आप पहचाने जाएंगे, पैसा नहीं है तो दुर्द रह जाएंगे। पैसा बिकम्स इम्पॉर्टेंट, आगे ना ये अप संस्कृति है, इसको पैसे की, केवल पैसे की संस्कृति। पैसा ज़रूरी है लेकिन किस हद तक, कैसे, इसका निर्धारण कौन करेगा? बाज़ार तो नहीं कर रहा है, इसका निर्धारण संस्कृति करेगी, कहाँ और कितना। जहाँ पैसा समाज को तोड़ने लगे वो सीमा आ गई, और जहाँ समाज को जोड़ने के लिए जितना पैसा आवश्यक हो वो सांस्कृतिक पैसा है, वो सम्यक पैसा है, क्योंकि वो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये विचार करने की बात है कि विज्ञान और संस्कृति में जहाँ एक तरफ समानांतर चलने की बात है, दूसरी तरफ उसमें कन्वर्जेंस भी होता है, दूसरी तरफ उसमें एक दूसरे को संभालने की प्रवृत्ति भी होती है, और यहाँ संस्कृति इस वैज्ञानिक सारे क्रियाकलापों को एक नियमित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। उसका एक उदाहरण दूंगा, बाज़ार में आप फकत एक ख़रीदार हैं, जब तक जेब में पैसे की झंकार है आप बाज़ार में रहने के हकदार हैं, वरना आप बाज़ार के लिए बेकार हैं। होटल में जब जाएंगे, आकाशवाणी संगीत, जेब में पैसा लेकर जाएंगे तो खाना और कमरा पाएंगे, वरना निकाल दिए जाएंगे। लेकिन परिवार में जब आप आएंगे, चाहे रात के 12 बजे भी आएंगे, पैसा लाएंगे या नहीं लाएंगे मगर खाना ज़रूर। वो कहते हैं विश्व एक बाज़ार है, मैं कहता हूँ विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है, ये संस्कृति। विश्व एक बाज़ार है, ये एक विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक शक्तियों का सम्मिश्रण है। जब कभी ये सम्मिश्रण मानवीय संवेदनाओं से परे जाता है तब तब संस्कृति उसको नियमित करने के लिए आगे आती है। और मेरी दृष्टि में आज की दुनिया को संतुलित करने का ये जिम्मा भारत को मिला है। उसी हेजनबर्ग ने अपने एक शिष्य से कहा था, वो भारतीय शिष्य थे, उन्होंने कहा, डॉक्टर मेहरा तुम भारत के निवासी हो, अब भारत जा रहे हो, लेकिन याद रखो भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या? उन्होंने कहा कि देखो, हम पश्चिमी जगत के लोग इस संसार सागर में ऐसे जहाज़ पर सवार हैं जिसमें दुनिया की हर सुविधा है, अथाह धन संपत्ति है, अथाह यांत्रिक उपकरण है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन है, उपभोग की सामग्रियां सभी प्रस्तुत हैं, मगर इस जहाज़ के पास कुतुब नुमा नहीं है। ये नहीं जानता कि जब इस संसार सागर में ऊंची लहरें आएंगी तब ये जहाज़ किधर जाएगा, मगर मेरा ये कुतुब नुमा, ये कंपास भारत के पास है। जब ये जहाज़ इस तरह से हिलोरे लेगा
उस समय भारत की इस कुतुबनुमा की आवश्यकता, इस कंपास की आवश्यकता इसको सही दिशा देने के लिए होगी। इसलिए यही वो संस्कृति का कंपास है जो जब इस अतिशय उपभोगवादी, अतिशय विज्ञानवादी, अतिशय उत्पादन की शक्तियों से परिपूर्ण जब विश्व में आलोड़न विलोड़न होगा तब उसको समन्वय करने वाला, उसको सही दिशा देने वाला ये संस्कृति का कुतुबनुमा ही उसके काम में आएगा। तब हम ही उसको बताएंगे कि देखो ये विश्व एक परिवार है, परिवार के नाते चलना है। ये तुम्हारा जहाज़ बहुत बोझिल हो गया है, बहुत भारी हो गया है बहुत से सामान से, उस सामान को तो उतारो उसमें से फजूल का जो सामान है, और उसके बाद एक निश्चित पारिवारिक भावना से जिसका उत्स भारत के अध्यात्म में है, जिसका उत्स केवल चार सिद्धांतों में है, सर्वमिदं खलु ब्रह्मम्, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। ये बातें बिल्कुल आज सिद्ध हो रही हैं क्योंकि विज्ञान भी यही कह रहा है कि सर्वत्र एक ही चेतना है, उसको फील्ड कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, पर वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। अगर एक कण भी आप इसको किसी तरह से भी उसको हिलाते डुलाते हैं तो सारे ब्रह्मांड में उसकी प्रतिक्रिया होती है। और मुझे बहुत आनंद है कि स्वामी विवेकानंद ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका और यूरोप के लोगों से यही बात कही थी कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु परमाणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर एक अणु हिलता है तो सारा ब्रह्मांड हिलता है। ये उन्होंने 20वीं शती के प्रारंभ में कही थी जिसे 20वीं शती के अंत में अब पश्चिम के वैज्ञानिक मान रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया था कि जो हमारे स्नायुओं में और मांसपेशियों में जिस तरह से थकान आती है उसी तरह से लोहे के तार में भी आती है, उसी तरह से धातुओं में भी आती है। मेटेलिक फटीग, धातुओं की थकान और मनुष्य की मांसपेशियों की थकान का एक जैसा ही चित्रण ऑसिलोग्राफ में आता है। ये भी सिद्ध किया गया कि अगर किसी वनस्पति के पास आप माचिस जलाएं तो कांप उठती है, उसके जितने भी ऊर्जा के स्पंदन हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे मनुष्य कभी कांपता है। तो वनस्पति में, धातुओं में और प्राणी में एक प्रकार के स्पंदन होना उसी प्रकार की परिस्थितियों में, ये बहुत बड़ी खोज थी जगदीश चंद्र बोस जी की। पर उस समय वास्तव में तो उन्हें उच्चतम पुरस्कार विज्ञान का मिलना चाहिए था, मगर भारत उस समय अंग्रेज़ों के आधिपत्य में था। उन्होंने जो सबसे पहला बेतार का तार चला के दिखाया उसका पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, मार्कोनी को मिल गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी विज्ञान की दिशा जगदीश चंद्र बोस ही ये सिद्ध कर सके कि प्राणी में और धातु में स्पंदन एक से होते हैं, थकान एक सी होती है। ये है वो कुतुबनुमा जो हम दुनिया को दे सकते हैं। ये जो समूचे विश्व में एकात्मता की भावना है ये हम और हमारे वैज्ञानिक दुनिया को दे सकते हैं, तभी विज्ञान और संस्कृति अपने सही काम को, अपने सही उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे और तब वो कन्वर्ज कर जाएंगे। विज्ञान संस्कृति सत्य की खोज है तो संस्कृति भी उस सत्य के आचरण के लिए आपको प्रेरित करती है। सत्य तो सत्य है, वो चाहे अध्यात्म से प्राप्त हो चाहे विज्ञान से प्राप्त हो, वो तो दो हो नहीं सकते। हमारे देश ने आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य का अनुसंधान करने का एक रास्ता दुनिया के सामने रखा है जो वैज्ञानिक रास्तों से किसी कदर कमतर नहीं है। विज्ञान और संस्कृति का सम्मेलन भारत के उद्देश्यों में से एक होना चाहिए और हमें विश्व को एक संतुलित, समन्वयवादी, अहिंसक और एक एकात्मता के साथ साथ एक ऐक्य भावना से युक्त विश्व बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक आध्यात्मिक विश्व ही अहिंसक विश्व हो सकता है और वो एकात्म हो सकता है, सर्वजन हिताय हो सकता है। विज्ञान और संस्कृति मिल के इस तरफ चलें, यही शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मनीषी और संत हमसे अपेक्षा रखते थे।
और हमें उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान और संस्कृति इस विषय पर हमारे आज के वक्ता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के विचार हमने जाने। अब महानिदेशक दूरदर्शन श्रीमती विजय लक्ष्मी छाबड़ा जी से अनुरोध है, कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, जो प्रख्यात मनीषी विद्वान शिक्षाविद और वरिष्ठ राजनेता हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी आभारी हूँ कि आपने इस विषय पर इतने सरल और सुंदर शब्दों में इस विषय को सबको समझाया और सबके सामने रखा। आपने कहा कि संस्कृति वो है जो सबको जोड़ती है। आकाशवाणी का तो मंत्र ही यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यहाँ पर उपस्थित आप सब गणमान्य अतिथियों की भी मैं आभारी हूँ कि जो आपने बहुत रुचि के साथ इस व्याख्यान को सुना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय मीडिया केंद्र दिल्ली में आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2014 की रिकॉर्डिंग। विषय था विज्ञान एवं संस्कृति। वक्ता थे माननीय सांसद एवं प्रख्यात विद्वान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।